हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अमेज़ॉन पे बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे डिफरेंट यूनिक मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड वन सच प्रोडक्ट जिसने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, दिस रोलिंग स्टोन ऑयल एब्जॉर्बर। एंड आई हैव अ वेरी ऑयली टी जोन और आफ्टर 3-4 आवर्स ऑफ मेकअप एप्लीकेशन मेरी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है। स्पेसिफिकली मेरा जो टी जोन है वो काफ़ी ऑयली हो जाता है। आई जनरली यूज़ ब्लॉटिंग पेपर और टिश्यू पेपर टू एब्जॉर्ब दी ऑयल। बट काफी दिनों से मैं ये एडवर्टाइजमेंट्स देख रही हूँ या फिर काफी सारे यूट्यूबर्स को इसके बारे में बात करते हुए देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, एंड इट डज सीम टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। सो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई एंड हियर आई एम टुडे ट्राइंग दीज एंटी सीबम रोलिंग स्टोन मिनरल ऑयल कंट्रोल स्टिक्स। देयर इज नो स्टिक इनसाइड दिस बिकॉज आई हैव इट राइट हियर इन माय हैंड। इट इज सो स्मॉल, इट इज सो हैंडी एंड आई डू हैव अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट दैट। आई जस्ट होप इट वर्क्स रियली वेल। कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है दिखाते तो काफी आसान है कि इसको जस्ट ओपन करना है एंड इसको रोल करना है। सो एग्जैक्टली कैसे यूज करना है या फिर इसको कैसे वॉश करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे पीछे मेंशन की गई हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पॉइंट की बात करें, आई एम नॉट टू श्योर कि मैंने कितने का खरीदा था, आई जस्ट इंसर्ट द प्राइस राइट हियर, बट आई डू नो कि ये बहुत ज्यादा प्राइजी नहीं था। एंड व्हेन आई एम रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द बैक, आई कैन इजिली यूज इट फॉर लाइक 40 days, which seems to be a decent option. 40 days भी तब अगर मैं इसे 3 times a day इस्तेमाल करती हूँ तो, which I don't think I would be doing once or maximum twice a day I would be using, but it can easily be used for 40 days. So now I'm really excited to see कि ये product मेरे पे काम करता है या नहीं करता है. Honestly, I have already seen it and I have already filmed it and that is the reason मेरा makeup इतना fresh दिख रहा है. So let's quickly talk about the packaging followed by how this particular product works. Okay, so अगर हम आउटर पैकेजिंग की बात करें तो इस टाइप की कुछ आउटर पैकेजिंग है, देखने में काफी कलरफुल सी है, काफी अच्छी है। अगर हम इस पैकेजिंग को टर्न करते हैं बैक साइड में, सो इट मेंशंस कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है एंड हाउ इज दिस पर्टिकुलर वन बेटर देन द अदर्स। इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ सीबम को रिमूव करते हैं लेकिन मेकअप के साथ अच्छे से काम नहीं करते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये मेकअप के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। सो आई विल हैव टू गिव इट अ ट्राई टू सी हाउ इफेक्टिव इट इज। इफेक्टिवनेस की तो एक लंबी लिस्ट ही दी गई है यहाँ पे कि ये कितना इफेक्टिव है। तो इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है और उसको क्लीन कैसे करना है। इट इज मेंशन दैट आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट हमको जेंटली टैप वाटर में इसको वॉश करना है 1 मिनट के लिए एंड उसको एक शेडी प्लेस पे ड्राई करने के लिए वेंटिलेटेड एरिया में डायरेक्ट सनलाइट से दूर उसको ड्राई करने के लिए रख देना है। वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट फॉर 40 days, क्लीनिंग इट आफ्टर एवरी यूज एंड इफ वी ट्राई टू यूज इट 3 times a day देन इट can be used 120 times. So yes, that's about the outer packaging. Now I'll just quickly open the product and see actually kaisa dikhta hai. So this is how the product looks like. I am pretty excited to try this. I have seen a few videos but I haven't personally tried it. So this is how it looks like. Supposedly we just have to brush this little thing on the face and it will make the face unoily or I don't know, it will absorb the oil. That's it. Let's give it a try and see whether it works or not. Okay, so basically मुझे अपना makeup किए हुए तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं and as you can see I look very oily right here. So I would be trying this particular product and see कि ये product मेरी oiliness को ठीक कर पाता है या नहीं. So I'll just quickly just take it and rub it like this. I don't know, just I'm just giving it a try. I just have my little mirror right here and okay, I can see a difference actually. अगर आप देख पा रहे होंगे सो यहाँ पे ये एरिया थोड़ा सा ऑयली है, शाइनी है एंड यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है. I'll just try it on my nose as well and उससे clearly पता लगेगा. Okay, I think it did make a difference because मेरे nose से काफ़ी oiliness खत्म हो गई है and मेरा face भी shiny नहीं है. I'll just give it a try on my forehead as well. Ball के roll होने की आवाज़ है इसमें. I'm just giving it a try all over my face.
एंड वो इट एक्चुअली वर्क्ड. आई वुडन्ट से दैट माय मेकअप लुक्स फ्रेशली अप्लाइड, बट इट डज लुक वे बेटर देन इट वॉज लुकिंग अर्लियर. सो इट सीम्स टू बी अ गुड प्रोडक्ट. Okay, I can clearly see a difference in my face before and after. I had a super oily skin and now I do feel very like non-oily. फ्रेशली अप्लाइड मेकअप अगेन मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि मैंने उसको ब्लॉट किया है एंड मैंने क्लीन किया है. प्लस दिस इज़ सो कन्वीनियंट टू यूज़, जस्ट रोलर की तरह इसको अप्लाई करना है एंड ऑल द ऑयल गेट्स एब्जॉर्ब. नाउ हाउ टू नो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को थ्रो कैसे करना है. सो अगर हम बैक ऑफ द बॉक्स में देखते हैं, सो इट इज़ एक्चुअली रिटन, ये जो बॉल है ये लाइट ब्राउन कलर का है. अगर ये बॉल डार्क ब्राउन हो जाता है तो इट इज़ टाइम टू थ्रो. एंड इट इज़ वेरी ईजी टू क्लीन एज वेल. इस बॉल को जस्ट आई थिंक निकालना है एंड उसको पानी में धो देना है. आई एम नॉट टू श्योर कि इसको निकालना कैसे है, दो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई. मे बी मैं इसको निकाल पाऊंगी आसानी से. ओके, आई एम अनेबल टू डू इट. आई थिंक इवन आई हैव टू वॉच सम वीडियोज अबाउट हाउ टू एग्जैक्टली टेक दिस बॉल आउट एंड क्लीन इट. बट एज फार एज माई फर्स्ट इंप्रेशन इज कंसर्न, आई डू लव द प्रोडक्ट, आई डू लव द वे इट वर्क फॉर मी, एंड येस आई कैन क्लियरली सी अ डिफरेंस इन दिस. सो येस वुड डेफिनेटली बाइंग मोर ऑफ दीज आफ्टर 40 डेज. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो वेदर यू हैव ट्राइड दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, या इस टाइप की कोई भी और ऑयल कंट्रोलिंग ऑयल एब्जॉर्बिंग रोलर स्टोन्स आपने ट्राई किए हैं. So I would love to know about your experience. So that's it for today's video. Hope you enjoyed watching today's video. If you like today's video, do not forget to give this video a thumbs up and do consider subscribing to my channel. Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Namaste.